एचएल टीवी न्यूज। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री हरमंदिर साहिब परिसर स्थित ऐतिहासिक श्री गुरु रामदास सराय के किए जा रहे नवीनीकरण पर दरबार साहिब के पूर्व राखी भाई बलदेव सिंह वडाला ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सराय को गिराकर होटल जैसी इमारत बनाना सिख संगत सहन नहीं करेगी। वडाला मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। वडाला ने कहा कि सराय का ऐतिहासिक महत्व है। ये सराय गदरी बाबे आजादी के परवाने व आजादी के मोर्चे की गवाह है। सराय में रहने वाले यात्रियों को सिर्फ मात्र 100 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि परिसर में स्थित दूसरी सराओं में ठहरने वाले यात्रियों को 1000 रुपए तक की राशि खर्च करनी पड़ती है। गुरु रामदास महाराज जी की जेड़े नाँ ते बनी हुई सरां 100 साल के करीबन पहला बाबा साधु सिंह जी होना वालों बनाई गई सी, उन्हों ढा के उदे थां ते नवी सरां उसारी करन दी तैयारी की गई। उदा टक लगना असी सिख संगतां नूं सुचेत करदे आ और इन्हां नूं होका दिंदे आ भी इस फैसले नूं वापस लो, क्योंकि इहदे नाल साडियां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। 1984 दा कांड जो कुछ वापरिया इह सरां सानूं उह चेता कराउंदी आ। और कल नूं पहलां तुसीं निशान साहिबां दे नां ते नवीनीकरण उहदी कमजोरी दा रौला पा के उह बदले गए, निशान खत्म कर दित्ते गए। अज तुसीं इह वी ढाउंदे हो हरिमंदर साहिब तों निशान साफ कर दित्ते ने, कल नूं तेजा सिंह समुद्री हाल ढा दित्ता जाऊगा कि इहदा नवीनीकरण करना जी, ये कमजोर हो गया जी, उन्हों संभालिया जा सकता है। असी सिख सद्भावना दल वालों ये कहना चाहते हैं कि यह ढाण वाला फैसला वापस लिया जाए, यदा नवीनीकरण करने की बजाय इसे ही विरासत को वधिया ढंग नाल संभालिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों असी अपने इन विरासतों के राही पिछोकड़ जोड़ सकी। साडा यही मकसद है, होर कोई मकसद नहीं। असी बाबा कश्मीर सिंह भूरीवारिया मिल चुके हैं जी, बाकी मीडिया राही ही मैसेज भेज रहे हैं। अगर नहीं यदि को तवज्जो की जाती असी सिख संगतों को सुचेत भी करते हैं और बाकी असी लड़ाई भी लड़ांगे। अमृतसर से हलचल टीवी के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।